सारा प्रोग्राम बर्बाद कर दिया। कितने खुश थे हम, इतना मजा आ रहा था, इतना महंगा टिकट जाया गया। समझती क्या हो तुम खुद को? राहील से फ्रेंडशिप से पहले मैंने तुम्हें उसके बारे में सब कुछ ब्रीफ किया था। तब तो तुम रांची की हीर बनी थी और जान तक देने को तैयार थी, और अब तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करने में प्रॉब्लम हो रही है। वाह, यू नो व्हाट बबली, राहील ने इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, इसलिए सर पे चढ़ गई है। राहील के पीछे इधर उधर की सारी लड़कियां घूमती हैं, एंड शी नोज दिस वेरी वेल। यस आई नो, मगर मैं भी किसी गैर-कसूर खानदान से ताल्लुक नहीं रखती, और ना ही मैं किसी को इजाजत देती हूँ कि मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे मजबूर कर सके। ओके, देन इट्स फाइन, ब्रेक द फ्रेंडशिप विद राहील। देखो बीनी, बबली तुम्हारी वेल विशर है, शी इज नॉट योर एनिमी, वो तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचेगी। और तुम इतनी सी बात पे नाराजगी करने की तो कोई जरूरत नहीं थी ना। तुम इस बात से अंदाजा लगाओ कि क्या तुम रह पाओगी राहील के बगैर, मर जाओगी। अच्छा, ठंडे दिमाग से कूल डाउन होके सोचो कि कौन सही है और कौन गलत। ओके, गुड गर्ल। रात वलीद भाई का फोन आया था, मैंने तो बीनी की सारी फोटोज उन्हें सेंड कर दी। सोया, क्या किया तुमने? क्या वो फोटोज किसी भाई को दिखाने के काबिल थी? ये क्या किया तुमने? पता नहीं वलीद क्या सोच रहा होगा, कितना अपसेट होगा वो। इससे पहले कि पूरे शहर में फैल जाती, वलीद भाई का ये जान लेना जरूरी था ताकि वो ये मामला हल कर सके। सोया, मैं मामी को अच्छी तरह जानती हूँ, वो सबूत देखने के बावजूद भी बीनी को मुझे नहीं मानेगी। अमेजिंग, मतलब ऐसा भी कौन सा लाड प्यार कि अपनी औलाद आग की जिद करे और उसकी ख्वाहिश मान ली जाए। ये तो फिर अपनी औलाद को खुद बर्बादी का सामान करेंगे ना। हर कोई ये बात नहीं समझता। वेरी सैड, मुझे तो बहुत खौफ आ रहा है, पता नहीं क्या होगा अब। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? जिसकी टेंशन है वो तो दनदनाती फिर रही है। तुम परेशान नहीं हो वलीद भाई, इस मामले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। ना करे ऐसा ही हो। Come on यार, सब ठीक हो जाएगा।